यहां दल का लालच एक तुष्टिकरण की चरम सीमा को पार करते हुए यहां तक पहुंच गया कि वो घुसपैठियों को भी नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना गए थे और उनके संविधान में भारत की संप्रभुता, भारत की संरक्षण की व्यवस्थाएं विद्यमान थी। भारत बदल रहा है, अब वो भारत सपेरों वाला देश नहीं है, वो भारत भीख मांगते हुए दिखाते थे लोगों को और दिखाने के बाद में पूरी दुनिया में प्रसारित होता वो वाला देश नहीं है। ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया और हाथ में कंप्यूटर लिए हुए नौजवान का देश है। अब वो कहते हैं कि हम एनपीआर में रजिस्टर नहीं कराओ, सारी विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु ध्रुव केंद्र बनेगा, वो एनपीआर के रजिस्टर में जो दर्ज होगा उसकी सूचनाओं का वो आधार बनेगा। आप देश की मुख्य धारा से लोगों को वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने का आह्वान कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि उनके प्रकृति में है और उनको शायद जानकारी का अभाव है तो अपने भाषणों में बोल देते हैं कि यहां पर रोजगार कम हो रहे हैं। रोजगार बढ़े हैं, हमारा 28% तो एक्सपोर्ट बढ़ा है और 28% एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के हमने न केवल MOU साइन करके उनको कार्य धरातल पर हम ले आए हैं। आज आप जाकर देखें तो नोएडा में आपको सैमसंग का, आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल और मोबाइल्स के आपको फैक्ट्रियां चलती भी दिखाई पड़ेंगी, तमाम चीनी मिलें जो बंद पड़ी थी वो फिर से चलती भी दिखाई पड़ेंगी, कुछ चीनी मिल नई दिखाई पड़ रही हैं, दर्जनों मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से हम जिले जिले में रोजगार, छोटे छोटे रोजगारों को पैदा करने की तरह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। चारों तरफ आप देखें तो हमारे एक्सप्रेसवे, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर रहा हो, तमाम बड़ी योजनाओं को आप लखनऊ ऐसी जगह जाएंगे तो आउटर रिंग रोड जो है काफी कई 100 करोड़ रुपए का वो बन रहा होता है, तो कहीं गोरखपुर लिंक रोड बन रहा होता है। चारों तरफ विकास की अवधारणाओं ने अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा किए हैं और हमने सरकारी में पुलिस की भर्तियों में भी काफी हमने आगे बढ़कर हमने उसको पारदर्शिता के साथ किया है। हमने माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा में भी हजारों की संख्या में हमने वहां के अध्यापकों की भर्ती की है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में भी अंतिम चरण पे कई हजार लोगों की भर्ती का क्रम अंतिम चरण पे है। तो ये कह सकते हैं कि रोजगार सृजन के दृष्टि से हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। उनकी सरकार में तो पता चलता था कि 2-3 जिले होते थे वो VIP घोषित हो जाते थे और VIP घोषित होने के बाद में पता चलता था कि वहीं पर बिजली आएगी बाकी में नहीं। आज हमारा उत्तर प्रदेश में हम 24 घंटे शहरों में, 20 घंटे हम तहसील स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश से मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के नजर जो है वो बदली है और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। आप जानते हैं कि 400 से अधिक दंगे पिछली सरकार में हुए थे, हमारी सरकार में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। दंगा कराने की साजिश लोगों ने किस द्वारा की गई है, उनको कुछ लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई दिखाई पड़ती है, लेकिन 62 पुलिस कर्मियों के ऊपर जो पुलिस फाइल से घायल हैं, जो उनके बारे में वो कुछ एक शब्द नहीं बोलते। वो आदमी नहीं है क्या? वो आपके यहां पे प्रदेशों की रक्षा नहीं कर रहे थे क्या? लेकिन आज इस प्रकार की बातों को कह के मैं समझता हूं कि आज पुरानी परिभाषा को आज दोहराया जा रहा है कि जिसमें आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लेने का काम किया गया था, आज हम कह रहे हैं कि NPR का रजिस्टर नहीं भरेंगे। आप करेंगे क्या? आप अगर NPR का रजिस्टर नहीं भरेंगे तो आप मुख्य विकास धारा से आप लोगों को अलग हटाना चाहते हैं क्या? आज अगर देखें तो जो दुर्दांत घटनाएं हुई हैं, मेरठ ऐसे जिले में तो 30 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र हुआ था
और पूरा चारों तरफ आग लग गई थी। आरएएफ के जवान और पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से अपने को बचाने में सफलता पाई थी। आज ऐसी घटनाओं के बाद आप कहें कि उस घटनाओं में संलिप्त लोग, जिनके सीसीटीवी फुटेज हैं, जिनके सोशल मीडिया में मैसेज कवर किए गए हैं, जिन्होंने हिंदी, उर्दू और बंगाली में पर्चे जिनके छपे हुए थे उत्तेजनात्मक, जिनको हमने सबूत के आधार पर जिनको हम पकड़ रहे हैं, उनको आप कहते हैं संविधान संरक्षक, हम उनका सम्मान करेंगे, पुरस्कार देंगे, पेंशन देंगे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षकता का वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई थी, लखनऊ का उदाहरण लें कि लखनऊ में एक नौजवान की मृत्यु हुई थी प्रदर्शन के दौरान, वकील अहमद की, उनके पिता को मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों ने पर्दाफाश किया है, उनकी नेताओं से कहा, उन्होंने जो उनको भड़काना चाहते थे कृपया मुझे भड़काने की कोशिश ना करें, मुझे पुलिस और प्रशासन पर भरोसा है। तो ये लोगों का भरोसा यहाँ पर आया है, बढ़ा है, लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है और तेजी के साथ में स्थिति को सामान करने में सफलता प्राप्त करी है, शायद ये एक दर्द है विपक्ष का, और इस दर्द को वो छुपाने की जगह वो तरह तरह नई घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस कहती है हम वकील देंगे, सपा कहती है हम पेंशन देंगे, और पेंशन के साथ साथ कहते सम्मान संरक्षक पुरस्कार देंगे। आप क्या देंगे ये आप जाने, लेकिन आप इस देश को वो दे रहे हैं जो देश के संविधान के विरुद्ध आचरण की प्रवृत्ति है, वो आप दे रहे हैं। आप वो दे रहे हैं जो लोगों को अलग करना चाहते हैं, जो यहाँ पर भटकाव की राजनीति करके लोगों में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, पुलिस के खिलाफ आक्रोश करके जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अराजक तत्व हैं उनको आप प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा अनर्गल प्रलाप था जिसने संविधान के को चुनौती दी है, संविधानिक प्रवृत्तियों को चुनौती दी है, और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया है किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हम संविधान की रक्षा भी करेंगे, लोगों की सुरक्षा भी करेंगे, और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि एक भी निर्दोष व्यक्ति के साथ कोई दंडात्मक क्रिया ना हो। हम जनजागरण भी करेंगे, जगह जगह पर इनके लोगों का पर्दाफाश भी करेंगे कि जिस प्रकार से दुष्प्रचार करके लोगों को भड़काने की का काम किया गया था, और मैं समझता हूँ कि आज जो स्थितियाँ हैं प्रदेश में, मैं तो मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने भारतीय जो जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे जोड़कर जो उन्होंने गोरखपुर ऐसे जगह पर इंसेफलाइटिस का जो प्रकोप था या अन्य प्रकार की बीमारियों का था उस पर काबू नियंत्रण पाया। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि इतने हजार मृत्यु हो गई, आपको आरोप लगाने से पहले सूची प्रस्तुत करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि झूठा आरोप लगाकर किसी को भी आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। सरकार ने पूरी तरीके से, चाहे वो एम्स के द्वारा, एम्स में तो ओपीडी भी चालू कर दी है, वहां का जो मेडिकल कॉलेज है उसका बिल्कुल दिशा परिवर्तन हो गया है,